तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हत्या और उस पर किए गए हमले के बाद बिहार के सदन में चौथे दिन भी भाजपाइयों ने हंगामा किया। हंगामे के बाद नीतीश कुमार एक्शन में आए और उन्होंने कमेटी बनाई है और बिहार के बड़े पदाधिकारी की कमेटी अब तमिलनाडु जाकर वहां के मजदूरों के हालात को का जायजा लेंगे। भाजपाइयों का कहना था कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हत्या की गई है और उसके पास मारपीट की जा रही है। तमिलनाडु के मजदूर अब घर से डर से निकलना बंद कर दिए हैं, पलायन के लिए तैयार हैं और किसी भी तरह की बिहार सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। सदन सत्र बजट सत्र के चौथे दिन सदन में भी हंगामा होता रहा। इस हंगामे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक होती रही। फिर नीतीश कुमार ने भाजपा के विधायकों के साथ बैठक किया और यह तय किया कि अब बिहारी की जो समस्या है, मजदूरों की जो तमिलनाडु में समस्या है, उस समस्या को देखने के लिए वहां बिहार के बड़े पदाधिकारी की कमेटी जाएगी। ऐसे तमिलनाडु के श्रम मंत्री सहित मुख्यमंत्री से बिहार सरकार ने बात की और जारी वीडियो जो वायरल हुआ उस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह फर्जी वीडियो है। लेकिन अब स्थिति क्या हालात है, स्थिति क्या है, बिहारी मजदूरों के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों हो रहा है, इसका जायजा लेने के लिए अब बिहार की टीम तमिलनाडु जाएगी। अब देखना यह है कि क्या महाराष्ट्र अन्य प्रदेशों की तरह बिहारी को तमिलनाडु से भी भगाने की साजिश है या बिहारी को वहां से काम से निकालने की साजिश है, यह देखने योग्य बात होगी। क्योंकि बिहार के मजदूर देश के कोने कोने में हैं, कश्मीर में बिहारी लोगों के साथ जो हो रहा वह हालात से लोग वाकिफ हैं। वहां हत्या की जाती है रेड़ी वालों के साथ और मजदूरों के साथ। अब तमिलनाडु की हालात भी बिगड़ रही है, वहां जाने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या सच्चाई है। वीडियो आप देख रहे हैं खबर बिहार 24, मैं विवेक का। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।